शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के तहत प्रत्येक विद्यालयों में बच्चों के लिए साफ और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, परंतु बस्ती जनपद के बहादुरपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय कलवारी मुस्तहकम में पिछले एक वर्ष से हैंडपम्प खराब होने के कारण प्रमोद कुमार सहित 111 बच्चों को साफ पानी न मिलने से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दो हैंडपम्प है, एक बिगड़ा एक गंदा निकलता है। तो क्या चाहते हो तुम लोग? साफ। आप लोग को साफ पानी चाहिए। आप लोगों की समस्या क्या है? हमारे यहाँ दो हैंडपम्प है, एक खराब है, एक में पानी आ रहा है, पालू देता है। इसके लिए आप लोगों ने कभी किसी से शिकायत किया? नहीं, हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ का हैंडपम्प बन जाए, हम साफ पानी पिए। हमारे विद्यालय में इस समय बच्चे 111 हैं। समस्या यहाँ पानी का सबसे बड़ा है। पानी यहाँ नल जो है, दो नल हैं, लेकिन इसमें एक खराब है, एक से पानी निकलता, वो भी नहीं अच्छा है। बच्चे उसको पीते हैं, उससे हमें डर लगता है कि कहीं उससे रोग ना हो जाए, डायरिया हो जाए, पीलिया हो जाए, ये सब ग्रस्त हो सकते हैं बच्चे। फिर भी हम लोग उपाय सोचते हैं कि कुछ हो जाए। प्रधान से भी हमने कहा, लेकिन अभी तक उसका कुछ उपाय नहीं हुआ। एक बार बोरिंग हुई थी, लेकिन फिर भी उसका पानी स्वच्छ नहीं मिल पा रहा है। हम चाह रहे हैं कि उसका माने फिर से उसकी बोरिंग हो जाए, अच्छे से पानी हम लोगों को मिले, रसोइयों को भी पानी मिले, अच्छे से भोजन बने, स्वस्थ बच्चे खाएँ, उससे रिष्ट पुष्ट रहें। तो मैडम आपका स्टाफ कितना है? हमारे तो अकेले हैं हम। आप अपने पूरे विद्यालय को? हाँ, हम अकेले हैं, पूरे विद्यालय में अकेले हैं। दो शिक्षा मित्र थे, उनका प्रमोशन हो गया और चले गए दूसरे ब्लॉक में। मैं चाहता हूँ कि प्राथमिक विद्यालय कलवारी मुस्तहकम में हैंडपम्प की मरम्मत हो, जिससे बच्चों को साफ पानी मिल सके। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करता हूँ कि बस्ती जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी, इनका मोबाइल नंबर 94-53-00-41-17 पर कॉल कर दबाव बनाएं और हमारी मदद करें। मैं विनय कुमार, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश, इंडिया, नाहन के लिए।